हे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज सुबह के बज चुके हैं 8:30 एंड आज संडे एंड क्रिसमस है। एंड हाँ, सभी को हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। एंड अमित जा रखे हैं मैच खेलने के लिए। ओ 9 बजने वाले हैं, 8:50 हो गया है। सो तन्वी को भूख लगी थी, मैं तो सोई हुई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। एक तो बाहर कोहरा लग रखा है, हल्की सी धूप अभी आई है। तो अमित तो सुबह ही चले गए थे मैच खेलने 7 बजे। तो तन्वी ने उठाया, भूख लगी करके। तो अभी उसके लिए उठ के सबसे पहले कुछ काम नहीं किया है, बस सबसे पहले नाश्ता ही बना रखा है। तो कल रात से हो रहा था तन्वी को पास्ता खाने का, तो अभी मैंने उसके लिए बना रखा व्हाइट सॉस पास्ता। हाँ मैडम, रेडी हो गया है, दे रही हूँ। यहाँ देखिए कैसे मंडरा रही है। सो गाइस, हमारे सचिन तेंदुलकर पहुँच गए। भाई क्रिकेट खेल के थक गए होंगे, अब चाय पिला देते हैं। तो गाइस, अमित आए थे, इतने भयंकर मिट्टी में पलित हो गए ना। मैंने कहा सबसे पहले तुम जाके नहा लो बस। तो वहाँ से बिल्कुल जस्ट नहा के भी चाय पी रहे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पास्ता बनाया था, तुम्हारे लिए नहीं बचाया। खाता नहीं पास्ता, तभी तो नहीं बचाया, थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, 2 प्लेट बस। तो गाइस, हमारी कॉलोनी के बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आए हैं यहाँ पे। अबे यार क्या, ठीक है अभी ये सुनाएंगे बिल्कुल आर्टिस्ट, एकदम प्रैक्टिस भी हो जाती है। एक यार, एक गिटार मुझे भी दो भैया, ये वाला ला, हम भी बजाएंगे, चाहे बजाएंगे ये तो धप धप तो करेंगे ऐसे करके। जागर बजाते हैं। 3 स्टार्ट। चर्च जाने के लिए, मेला मतलब। तो कल गए थे तो कल बंद था, आज जाते हैं तैयार होते, टाइम 3 बज चुका है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एंड आज लगा है मेला। अभी यहाँ से मुझे लग रहा ना, आज सुबह से ठंड थी तो इस वजह से अभी स्टार्ट किया सब लोगों ने, तो आगे होगी भीड़। तो ये रहा गाइस चर्च, हम पहुंच चुके हैं एंड ये कोटद्वार का एंड यहाँ मतलब उत्तराखंड का सबसे बड़ा चर्च है। इसका नाम है सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च। यहाँ से बना रखा है, अब आगे कहाँ जाना है? अच्छा चप्पल जूते रखेंगे ना उधर पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बना रखी है प्रभु यीशु की, काफी अच्छे छोटे छोटे से घर बना रखे हैं। तो गाइज़ अभी अंदर से हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बाहर, तो अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता है, इसलिए बाहर वीडियो बना रहे हैं, अंदर नहीं बना सकते। उड़ेगा नहीं ऐसा, हाथ में बांध दिया है, खुल जाएगा। तो गाइज़ तन्वी ने अपना जो घर में बैलून था वो फोड़ा, तो उसके लिए अब यहाँ से ये उड़ने वाला गुब्बारा, हम तो इसे उड़, कौन सी गैस होती है इसके अंदर? हैलोजन गैस होती है, हाइड्रोजन। चुप रहो, कभी कहते थे ऑक्सीजन। तो दोस्तों अभी मेले से कुछ तो नहीं लिया, बट मैंने ये लिया है कुकीज़। तो ये हमारे चलते फिरते ओवन की भाई बहुत ही टेस्टी कुकीज़ होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अमित को टेस्ट कराती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार खाया था क्या? ये तो तुम्हें पसंद नहीं आया?
टेस्ट भी कर रहे, इतना टेस्टी होता है। यहाँ पे चल रहा है वो काम, तो हमने सोचा ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये है उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव, जो कि हर साल कोटद्वार में दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ हो रखी है, एक तो क्रिसमस भी है आज, तो कुछ लोग मेला देखने के लिए भी आए होंगे और फिर यहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, तो ये वगैरह प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और सारे जो प्रोग्राम है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है, मतलब पहाड़ी गानों में जौन सारी गढ़वाली कुमाऊनी। तो अभी एक और प्रोग्राम आया है और ये रहा प्रोग्राम, अभी गाना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा बना लेती थोड़ी बहुत मीटिंग और पब्लिक भी देख सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक रहेगा यहाँ, तो कोटद्वार की जो भी पब्लिक है, आजकल छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो आए आप लोग यहाँ पे। नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मान मा अपर तरफ बटे एक छठी भी कोशिश। अरे तो पापी करू ना मेरा आधार मी पासा देविका डोला है यहाँ पे। तो अभी जो अगली प्रस्तुति होने वाली है वो इन बच्चों की होने वाली है। देखा एंड अब जाते सब्जी वब्जी ले आते हैं क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और तन भी हमारी परेशान करती रहती है हमको। भुक्कू बस भुक्कू चलो गाइस, ये रही हमारी शाम की क्रिसमस पार्टी। भाई गाइस बहुत बोलने वाला समोसा है तन्नू, बोलने वाला समोसा है। अरे मैंने ऐसा बोला था कि इस समोसे का कोई जवाब नहीं, तो तन्नू बोली ये बोलता है क्या समोसा, ऐसे काटती ना मेरी बात। सो गाइस इतना ठंडा हो गया ना आज, बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा है, देख सकते हीटर वीटर जला रखा है। मस्त हो रहे समोसे, तो खाया नहीं। ये किसने खाया? बाहर का कवर क्या बताऊंगा मैं। अच्छा खाओ फिर खाओ, चटनी के साथ खाओ, इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। ये अब बताओ कैसा हो रहा है? अभी भी नहीं आया देखा। अब पूरा समोसा खा लोगे तब बताओगे क्या? नहीं आया ना, जब जब मसाले नहीं तो क्या बोलूं। तो गाइस सब्जी ना वो बैलून लेकर आई है, अब उसको छोड़ दिया पीछे, बार बार छोड़ दे रही, ऊपर चले जा रहा है। अब देख रहा झाड़ू से लगी हुई है निकालने में। तन्वी हाथ दर्द हो गए, रुक जा मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। आई होप आपको मावा पसंद आया, तो पसंद आया होगा लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।